एक लड़का लड़की के बीच का मामला था, 5 वर्षों से दोनों प्रेम प्रसंग में थे, लेकिन जब लड़के की शादी उसके घर वाले दूसरी जगह कराना चाह रहे थे, उसके पास लड़के वाले के पास गए कि शादी करनी है, लेकिन लड़के लड़की के घर वाले मना कर दिए। ना कोई FIR, ना कोई केस, डिसीजन ऑन द स्पॉट, यह अंदाज है गया की तेज तर्रार महिला थाना अध्यक्ष रवि रंजना की। जी हम बात कर रहे हैं बिहार के गया का, जहां 5 वर्षों से प्रेम प्रसंग में पड़ी लड़की को अंतिम समय में लड़के वाले ने शादी से इनकार कर दिया। इसकी सूचना लड़की पक्ष के लोगों ने गया के महिला थाना प्रभारी रवि रंजना को दी, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला थाना अध्यक्ष रवि रंजना ने लड़के और लड़की दोनों पक्ष के लोगों को थाने में बुलाया, जहां काफी समझाने बुझाने के बाद लड़का पक्ष के लोग शादी के लिए तैयार हो गए, जिसके बाद महिला थाना प्रभारी रवि रंजना ने विष्णुपद मंदिर में दोनों की शादी करवाई। उसके बाद महिला थाने में लड़का ने लड़की की मांग भरी और उसके बाद थाने में ही शादी की रस्में पूरी करवाई गई। क्या वजह था कि थाना में शादी कराना पड़ा? ये राजी थे, इनको मामा ऐसे करवाए, ये मेरा बुलवाए। अच्छा, तो उन्हीं के कलाम पे ये नहीं करने के लिए राजी। इनके गार्जियन से कहना पड़ा, तो फिर क्या किया आप? थाना में नोटिस किया, लेकर प्रेम प्रसंग था, ठीक है, जो बोल रहे हैं जो सही है, 5 साल से कहते हैं। कैसे दोस्ती कैसे हुआ था दोनों के बीच? दोस्ती घर पे इनको गए थे तो दोस्ती हुआ था, नहीं फोन से हुआ था। अच्छा, इधर कितना साल से था? अरे सामने देखो, 5 साल से। तो फिर क्या वजह हुआ कि लड़की थाने आई, कारण क्या हुआ? वजह यह हुआ कि इन लोग के मम्मी पापा का पहले राजी नहीं था, तो हमारा रिश्ता लगा था, इन लोग के मम्मी पापा को मन फिर गया, हमारा मामा को जो मन फिर गया, जो हमारे मामा हुए जो कहीं दूसरे जगह ठीक हुआ वहाँ गए हैं देखने, वो भी गए हैं वहाँ पे, सब्जी ओके हो गया, पैसा भी गिना गया, तो बीच में ऐसा ही काम हुआ। तो लड़की थाने में केस किए? थाना में ये नहीं किए थे, इनको गलती नहीं है, गलती हमारे मामा के हैं जो इनको लेके साथ में आए थे। थाना लड़का तो जाता आता था, तो हमको क्या पता है कि अब जैसे कोई परिवार आ जाने से हम लोग थोड़ी कहते हैं कि हमारे मेरा घर में मत आइए, है ना, तो वही आता जाता था और वही लोग बात विचार क्या हुआ नहीं हुआ, समझे ना, इन्हीं लोग आते जाते थे लड़के। कितना दिन से दोनों के बीच में? अभी लोग को बीच में कब से, लड़की तो बोल रहा है कि 5 साल से बात। तो क्या वजह था, क्या थाना आना पड़ा आप लोग को? हमको आने का बात ये है कि लड़का शुक्रवार दिन था, कहीं कितना तारीख था नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन अगले हफ्ते जिस शुक्र गया ना उसका अगला शुक्र को लड़का गया, लड़का को कपड़ा लत्ता साबुन तेल सब दिया लड़की को, हमको मालूम नहीं है, दे वो क्या एक छोटा मोबाइल है सैमसंग का, जो अभी बात कर रहे थे वैसे ही वो मोबाइल लेके इसको दिया लड़का को, दे के उसका बाद वहाँ से हमको पता नहीं है, ये लोग दिया लड़का का तो बोली कि फलाने दिन को आना, हम लोग कोर्ट मैरिज करके हम लोग चले गए। आपके बेटी को बोला? हाँ, तो हाँ। लड़की हमसे नहीं कुछ बोल चल किया, तो शायद सोमवार था कि मंगलवार था, तो लड़की हमारा यहाँ आया गया में, आने के बाद क्या हुआ कि लड़का को लेके मामा था उसका लड़का का, वो लेके यहाँ से फरार हो गया, शादी करने नहीं दिया? नहीं। कहाँ है वो लड़का? मेरा है। कितना दिन से प्रेम प्रसंग था दोनों के बीच? ये तो मेरा पता है नहीं है? पता हमारा है नहीं। फिर कैसे जानकारी कैसे हुआ आपको? जानकारी हुआ, केस किए तब कह रहे हैं कि ऐसे आपको लड़का था। तो क्या वजह था कि केस हुआ? केस हम दूसरे जगह शादी किए थे, लड़का को सेट किए थे, हाँ। दोनों मामू और मामानी थे, वो भी गए थे लड़का देखने के लिए, वहाँ लड़की देखने के लिए, फिर बाद में देखने के बाद में कहते हैं कि आपको लड़का इतना दिन से आपको हुआ किया है थी। अच्छा। महिला थाना अध्यक्ष रवि रंजना ने बताया कि 5 साल पुराना युवती और युवक के बीच में प्यार को शादी के रिश्ते में तब्दील कर दिया गया, अब दोनों पक्ष खुशी खुशी अपने घर जा रहे हैं। महिला थाना अध्यक्ष रवि रंजना ने बताया कि दोनों के सफल दाम्पत्य की कामना करते हुए थाने से वर वधु की विदाई की गई है। हम आपको बता दें, युवती का नाम पुष्पा कुमारी है और ये गया जिले की रानीगंज की रहने वाली है, वहीं लड़के का नाम सुनील कुमार है और ये भी गया जिले के कोंच थाना के रामपुर गाँव का रहने वाला है। मामला
दो एक लड़का लड़की के बीच का मामला था, 5 वर्षों से दोनों प्रेम प्रसंग में थे, लेकिन किसी कारणवश लड़के और लड़की के बीच कम्युनिकेशन गैप हो गया। लेकिन जब लड़के की शादी उसके घर वाले दूसरी जगह कराना चाह रहे थे, तो फिर लड़की के परिवार वालों को पता चला, तो उसके पास लड़के वाले के पास गए कि शादी करनी है, लेकिन लड़के के घर वाले मना कर दिए। तो मामला लेकर थाना महिला थाना पहुंची। महिला थाना में दोनों को बुला करके समझाया बुझाया गया, तो दोनों परिवार आपसी सहमति से शादी करने को राजी हो गए, जिसमें विष्णुपद थाना मंदिर में विष्णुपद मंदिर में विधिवत दोनों की शादी करा दी गई महिला थाना के सहयोग से। मैं उनके सुखद और सफल भविष्य की कामना करती हूँ। FIR वगैरह भी हुआ था? नहीं, इसमें कोई FIR दर्ज नहीं हुआ था। तो थाना के पहल उनके द्वारा अनुरोध किया गया था कि हमारी शादी करवा दी जाए।